ये कैमरा है, कैमरा सर, वीडियो रिकॉर्ड, व्लॉग बनाते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं व्लॉगिंग के लिए। मुझे जाना था यहाँ तक, यहाँ से ये व्यू कैप्चर करना था बस। अब मैंने भी डिसाइड कर लिया है, तो आप भी व्लॉग में बने रहिए। पता नहीं मुझे गाइस ये रोड कहाँ को जा रही है, बस मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना हो सके मैं उतना आगे जाऊँ। और बाइक में एक सेल बचा हुआ है पेट्रोल का भी। हवा इतनी ज़्यादा है कि मेरा फ़ोन पूरा वाइब्रेट करने लगा। गाइस मैं यहाँ आया तो था, लेकिन यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज़्यादा है, क्या ही कहूँ। हर जगह पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो रुका रही है और फ़ोन चेक कर रही है। मेरा भी फ़ोन चेक किया, कम से कम आधे घंटे मुझे यहाँ रोक के रखा और मेरा फ़ोन चेक किया। फ़ोन चेक करने के बाद मेरे फ़ोन में वैसी कुछ चीज़ नहीं थी, जेन्युइन था सारा कुछ। और अब मुझे कहा कि आप जा सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने मिरर भी क्लोज किए। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के वीडियोज़ नहीं होने चाहिए, जो कि सही बात है, होने भी नहीं चाहिए। मैं चलूँगा वहाँ पर, इस स्टॉप पे जाने की कोशिश करूँगा, होप कि इसके बाद अच्छे व्यू मिले हमें। थोड़ा सा तेज़, और मैं सबसे पहले गाइस तेज़ चलने से पहले एक चीज़ कर लेता हूँ, जो इधर है इनके बिना मैं नहीं चल पाता हूँ, तो मैं सबसे पहले यही खोले मैंने। अब मैं यहाँ से आगे जाऊँगा, थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगा। होप कि वीडियो अच्छे से आ रही होगी, आप सबको मज़ा आ रहा। सच बोलूँ तो मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मौसम अब थोड़ा सा हल्का हो चुका है। जैसी गर्मी पहले थी वैसी गर्मी बिल्कुल नहीं है अब। और आप रोड तो देख ही सकते हो, काफ़ी डेंजर रोड, इस पर चलना काफ़ी मुश्किल। तो गाइस मुझे काफ़ी लंबा सफ़र करना है, जो मैं चीज़ देख रहा हूँ मुझे कहाँ तक जाना है, जो मैंने अपने से डिसाइड किया है, इसके लिए कोई प्लान नहीं था। ये बस मैंने कोशिश की कि आज मैं आया हूँ, घर से निकला हूँ, ऐसी जगह पे आया हूँ, इतने अच्छे व्यू है तो कैप्चर करना तो बनता है। सो गाइज़ इसीलिए मैंने यहाँ से आगे कैप्चर करने का फ़ैसला किया, तो अब यहाँ से आगे कैप्चर करेंगे जो भी है यहाँ का सीन। आप भी मेरे साथ बने रहिए इस व्लॉग में। उम्मीद है कि सब कुछ अच्छे से होगा, आज का व्लॉग अच्छे से बनेगा। और ये छोटे छोटे बच्चे कि ये जल्दी से समझ पाएँ कि हमें कहाँ को भागना है, और हड़बड़ाहट में ये बाइक गाड़ी के आगे कूद जाते हैं। इसके लिए जो जो बाइक, जो भी राइडर इस टाइम मेरी इस चीज़ को देख रहा है, जो भी बाइक राइड करता है, जब भी किसी पब्लिक प्लेस में चलो तो काफ़ी ध्यान से चलो, क्योंकि मुश्किल पड़ सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है। सो शायद ही आपको कोई यूट्यूबर ऐसी जगहों पे लेके आएगा जहाँ पर मैं आपको लेके आया हूँ, इस ज़िगज़ैग रोड पे कोई भी लेके नहीं आएगा। काफ़ी हाई एरिए जहाँ पर पेट्रोल बहुत ज़्यादा जाएगा आपका, लोग फेमस जगहों को कैप्चर करने की कोशिश में अच्छे व्यू छोड़ देते हैं गाइस, उनसे अच्छे व्यू छूट जाते हैं, और मैं वैसी चीज़ बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको दिन ब दिन अच्छे से अच्छे व्यू दूँ। अभी अगर थोड़ा सा मैं ज़्यादा क्लोज होता या मैं ज़्यादा स्पीड में राइडिंग कर रहा होता, गाइस वाओ कसम से बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ राइडिंग करने का। काफ़ी अच्छी रोड देख सकते हो आप मेरे सामने, कितनी प्यारी रोड है ये, ज़िगज़ैग टाइप की गाइस। तो इस ज़िगज़ैग पे चलना तो बनता है गाइस, एंजॉय करना तो बनता है। तो भाई लोग जैसे कि ये देख लीजिए, काफ़ी ब्लाइंड मोड और ज़िगज़ैग पे ज़िगज़ैग देखने को मिल रहा है इस रोड पर। पता नहीं मुझे गाइस ये रोड कहाँ को जा रही है, बस मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना हो सके मैं उतना आगे जाऊँ। और बाइक में एक सेल बचा हुआ है पेट्रोल का भी, पेट्रोल भी काफ़ी कम है, तो मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी से जल्दी इस चीज़ को कैप्चर करूँ, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ भी चल रहा हूँ। और सच पूछो तो मुझे मज़ा आ रहा है, इसलिए मैं काफ़ी तेज़ चल रहा हूँ। काफ़ी अच्छा व्यू भी है यहाँ का, कसम से क्या ही बोलूँ। मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ कि आप जिस एक्साइटमेंट से मैं इस जगह को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, आप भी इसी एक्साइटमेंट से करोगे एक्सप्लोर इस जगह। मुझे लगता है थोड़ा बहुत ऊपर जाना चाहिए, इससे वापस उसी साइड में मुड़ जाएंगे जो हमने इस अब तक कैप्चर कर लिया है। गाइस कुछ इस तरह की रोड है, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, उसके बाद वहाँ से वापस मुड़ के आएँगे, थोड़ा सा राइट, थोड़ा सा इस रोड को एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा सा स्पीड के साथ
लेन भी करने में मज़ा है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा। वाव सीन है यहाँ का, इतनी प्यारी रोड और इतना प्यार, मैंने नहीं सोचा था कि मैं ऐसी जगह को कभी एक्सप्लोर कर पाऊँगा। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश भी हूँ, होप कि आप लोग भी इस चीज़ पर। हमेशा की तरह एक चीज़ हमेशा आपसे कहता ही रहूँगा कि जब आप कहीं पे राइड कर रहे हो, एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आपने पहले तो सेफ्टी गियर्स पहने हों, और दूसरी चीज़ ये कि आपके पास कंट्रोल कितना है उससे एक्स्ट्रा कभी मत चलिएगा। सामने देखो, ये वो सीन है बारिश पड़ने के बाद, यहाँ पर ये पहाड़ियाँ गिरती है। पीर बाबा, आई थिंक चलना चाहिए हमें आज पीर बाबा ही। अब मैंने भी डिसाइड कर लिया है, तो आप भी व्लॉग में बने रहिए क्योंकि मेरे को अच्छे से अच्छे व्यू पॉइंट चाहिए। तो पीर बाबा का व्यू देखते हैं कैसा रहता है। पता तो नहीं मुझे गाइस ये क्या है, लेकिन रोड को देख के लग रहा है, इस व्यू को देख के लग रहा है कि काफ़ी अच्छी जगह है, जो कि मैंने अभी पीछे बोर्ड पे पढ़ा है पीर बाबा। गाइस मैंने नीचे भी पढ़ा था लेकिन मुझे इस चीज़ पे ध्यान नहीं गया था कि ये क्या है। तो इतनी अच्छी ज़िगज़ैग रोड, चलना तो बनता है। होप कि आगे भी ऐसी ही रोड मिले हमें पीर बाबा पे। गाइस आई डोंट नो ये किसी आदमी का नाम है या किसी जगह का नाम है, बस मुझे इतना पता है कि एक नाम है पीर बाबा। तो यहाँ से मेरे फ़ोन की बैटरी भी बची हुई है अराउंड 35%, और मैं नहीं चाहता हूँ कि बैटरी लो हो जाए और मैं अच्छे व्यूज़ जो हैं ये मिस करूँ। सो बाइक की आवाज़ सुनो पहले, काफ़ी बढ़िया आवाज़। और यहाँ पर लीन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे कंकर भी हैं रोड पे, जिन पे टायर स्लिप होने के बाद हम एक किसी गंदी सी खाई में गिर सकते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हो। इससे वाओ कितना प्यारा व्यू है सामने का। मैं थोड़ा कैमरा डाउन करता हूँ क्योंकि मुझे आपको अच्छे से व्यू देना है। तो होप कि वीडियो अच्छे से आ रही होगी, सब कुछ जो मैं चाहता हूँ अच्छे से हो रहा होगा। काफ़ी बढ़िया रोड है गाइस, वाओ रोड है कसम से। एक तो हम नेशनल हाईवे जानते हैं, उसके बाद गाइस मैंने अब तक ऐसी रोड, ऐसी हिलिंग एरिया में इतनी प्यारी रोड कभी नहीं देखी थी। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि यहाँ से ऊपर इतनी अच्छी रोड होगी। मैंने दूर से देखा था, एक चढ़ाई सी एक रोड जा रही है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा घूम आते हैं। तो मैं निकला बाइक लेके, नट गड़ी लेके, बाइक लेके, अपनी धाकड़ शेरनी को लेके। और फिर उसके बाद आप देख रही हो कितना प्यारा व्यू और कितनी प्यारी रोड। तो गाइस जो मेरा आज का मोटिव था, जो मैं घर से निकला था, मैंने पीछे जो 3 ब्लॉग डाले ये भी आज उसी दिन कंटिन्यू, आज के ही दिन में तीनों के तीनों ब्लॉग मैंने किए हैं। वीरनाग का हुआ, और उसके बाद जो 2 व्यू पॉइंट मैंने आपको दिखाए, अब मैं जो ये वाला कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये भी सेम टाइम में रिकॉर्ड हुआ है। बस वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने ये अलग अलग इस पर डाले हैं, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो बोर होते हैं। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मेरे सब्सक्राइबर मेरी फैमिली है और फैमिली को तंग करना नहीं, कोई भी अपनी फैमिली को तंग नहीं करेगा। आप देख रहे हो 70 की स्पीड से इतनी हिल एरिया पे चल रहा हूँ, वाओ कसम से ये काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी अच्छी, साथ में काफ़ी ज़्यादा कर्व भी। तो बाइक जब लीन होती, मेरे बाइक के टायर में पीछे हवा भी कम है। पीर बाबा टनल 13 किलोमीटर है यहाँ से, मेरे को नहीं लगता कि हमें आगे जाना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ गाइस हम वो जो सामने वाला व्यू पॉइंट है वहाँ से थोड़ा सा व्यू कैप्चर करेंगे और उसके बाद वापस मुड़ेंगे, क्योंकि बाइक में तेल बहुत कम है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी ऐसी जगह में फंसूँ जहाँ से मुझे घर फ़ोन करके घर वालों को बुलाना पड़े और धक्के मरवाने पड़े। ऐसा सब मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो कुछ हो सेफली हो जाए, स्मूथली हो जाए। तो हम आज का व्लॉग थोड़ी देर बाद क्लोज करेंगे, और आज के व्लॉग में गाइस सॉरी टू से मैं आपको पीर बाबा बराबर लेके नहीं चल पाया, और मैंने कुछ ऐसा प्रॉमिस भी नहीं किया था आपसे कि हम पीर बाबा ही जाएंगे। मुझे लगा था नज़दीक होगा, लेकिन अब जो मैं देख रहा हूँ ये अबाउट 13 किलोमीटर्स गाइस काफ़ी ज़्यादा तेल लगेगा।
क्योंकि ये बाइक हिल में काफ़ी ज़्यादा तेल खाती है, जो आपको पता ही होगा RS की जो माइलेज है 25-30 इससे ज़्यादा, और हिलिंग में तो मुझे लगता है कि 25 से भी कम ही होगी। आप देखिए बाइक कितनी ज़्यादा बाहर को जा रही है, कुछ ऐसे रोड इन पे पत्थर ऊपर से गिर गिर के आए हुए हैं। मेरा दिल खुश हो गया आज को लेकर, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना अच्छा आज का जो ये राउंड है ये मेरा इतना अच्छा हो पाएगा और मैं इतने अच्छे अच्छे व्यू आप तक पहुंचा पाऊंगा। मेरा दिल इसलिए खुश भी है, पहले तो इसलिए खुश है कि मैंने आपको बहुत अच्छे व्यू दिए, जैसे कि मैंने अपने व्लॉग्स में प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस मैं पूरा हर बार करने की कोशिश करता हूँ। इस बार भी कोशिश थी मेरी, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज का जो व्लॉग है वो बाकी सारे व्लॉग्स में से डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन रोड, काफ़ी बेहतरीन व्यू और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिली, जो कि कश्मीर में हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हम ऐसी ऐसी जगहों पे नहीं आया करते। ऐसे वाओ, मेरा तो दिल नहीं मान रहा है वापस जाऊँ, लेकिन मेरा पेट्रोल जो है, मेरा पेट्रोल का टैंक जो है गाइस, वो कह रहा है नहीं चलो वापस। यहाँ पर हम ज़रा रोकते हैं बाइक, उसके बाद मैं आपको यहाँ के व्यू दिखाऊँगा। एक बात नहीं भूलना कि मैं इस पे वीडियो लेकर आऊँगा आपके साथ, एक वीडियो और बनाऊँगा जो वीडियो इस चीज़ के ऊपर होगी, पीर बाबा। ये बात कभी ना भूलना कि आपका दोस्त ओवी आपको हर बार अच्छा कंटेंट देने की, आपका दोस्त ओवी कभी भी आपको निराश नहीं करेगा। अपनी तरफ से मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपको हर बार खूबसूरत से खूबसूरत, अच्छे से अच्छे व्यू दे पाऊँ। ये रोड जा रही है आगे, आगे से गाइस वापस उतरेगी आई थिंक, तो हमें काम करना चाहिए, हमें यहाँ से व्यू लेना है और उसके बाद हम आगे को चलें या पीछे को, आई डोंट नो हम क्या करें। मेरा मानना है कि हम ये जो खूबसूरत खूबसूरत बादल गाइस आसमान से आते हुए पहाड़ों के ऊपर, इन्हें कैप्चर करें। हवा जो है काफ़ी ज़ोरों की हवा चल रही है, तो कुछ इस तरह के व्यू है यहाँ के, मैं सामने जाके भी आपको दिखाऊंगा, जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको अच्छे अच्छे व्यू दूंगा। ये हैं वो अच्छे व्यू, खूबसूरत व्यू जो कि आपने कभी देखे होंगे गाइस। गुलमर्ग, पहलगाम, बेताब वैली, ऐसी ऐसी जगहों पे हर कोई जाता है, ये आप सबको पता है, और आप में से भी ऑलमोस्ट 95% लोग ऐसे होंगे जो गए होंगे गुलमर्ग, पहलगाम, बेताब वैली। नहीं भी गए हुए तो कम से कम आपने उनके फोटेज देखे होंगे गाइस। कसम से हवा इतनी ज़्यादा है कि मेरा फ़ोन पूरा वाइब्रेट करने लगा। ये है वो रोड जहाँ से हम निकले थे, वो नीचे आप देख पा रहे होंगे गाइस, वो नीचे आप देख पा रहे होंगे, ये जो रोड है, ये वाली सारी रोड, ये कवर करके हम इतनी हाइट पे आए गाइस, काफ़ी ज़्यादा ऊंचे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है गाइस। वो जगह थी जहाँ पर मुझे रोका गया था, वो वाली जगह गाइस जहाँ पर मुझे, उसके बाद सारे एरिया को वहाँ से होकर कवर करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी बढ़िया व्यू है यहाँ का। मेरा फ़ोन ऑलमोस्ट डेड होने वाला है, इसमें बैटरी बची है बहुत कम, तो जाने लगे अच्छी अच्छी वीडियो दिखाऊंगा और अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपको इस प्यारे से व्यू के साथ छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन आपसे प्रॉमिस है आपको जो ये यहाँ से आगे की जर्नी है गाइस, यहाँ से आगे की जो व्यू हैं, यहाँ से आगे के गाइस छोटे छोटे गाँव, मिट्टी के मकान, अच्छा वो पुराने गाइस, सारी चीज़ें जो पुरानी चीज़ें हैं वो यहाँ पर मिलेंगी, आई एम 100% श्योर, क्योंकि मैं जो देख पा रहा हूँ वो मैं आपसे अगली वीडियो में दिखाऊंगा, आपसे प्रॉमिस है। लेकिन मैं अगली वीडियो के लिए घर से वापस आऊँगा, क्योंकि मेरे पास अब बैटरी नहीं बची है, मुझे चलना होगा वापस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, होप कि आपने ये सब इन्जॉय किया होगा मेरा व्लॉग, मुझे उम्मीद है आपने मेरा व्लॉग इन्जॉय किया होगा। तो मेरे फ़ोन की बैटरी सिर्फ 3% बची है गाइस, अलर्ट 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 ही आ रहे हैं, तो इस 3% के साथ जितना कैप्चर होगा हम वो करने की कोशिश करेंगे 110%। तो मैं मोड़ता हूँ यहाँ से बाइक वापस, आप बने रहिए व्लॉग पे। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि मेरे चैनल के लिए थोड़ा सा सपोर्ट जो आप
मुझे कोई नहीं दे पाएगा, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे। हम निकले हैं यहाँ से वापस क्योंकि मेरे पास बैटरी बची अब सिर्फ 3%। पेट्रोल का भी मसला नहीं था, गाइक उतनी तो मैं चला ही लेता, यहाँ से वापस न्यूट्रल था। तो कुछ ना कुछ जुगाड़ इसमें आपको आज का व्लॉग पूरा दिखाता, लेकिन अफसोस कि आज का व्लॉग यहीं तक होगा। इस प्यारे से व्यू के साथ दौड़ के जाना होगा मुझे। मैं मिलूँगा आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे सब। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब चैनल को, ये चीज़ें आपको करनी हैं अपने दोस्तों के साथ। अपने दोस्तों के फ़ोन लेके उन्हें बताना है कि ऐसे ऐसे एक यूट्यूब पे एक ऐसे एक चैनल है जिसका नाम है द ओवी ब्लॉग, तो ताकि आप और लोगों को भी मेरे इस ब्लॉग के साथ जोड़ सकें। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी हेल्प ज़रूर करोगे, चैनल पे नए नए लोगों को लेके आओगे और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी प्रमोट करो। और मैं आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको ऐसी ऐसी जगह दिखाऊं जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखी। किसी भी ब्लॉगर ने ऐसी ऐसी जगह देखने की दिखाने की कोशिश कभी नहीं की होगी। ब्लॉगर पॉपुलर जगह पे जाने की कोशिश करता है जो गूगल मैप्स पे मिल जाएं। इससे पहले आप मेरे ये कुछ जाते जाते आपको मैं ये व्यू दिखाऊँगा, तो बातें भी हम कंटिन्यू रखेंगे। मैं बाइक थोड़ी धीरे चलाऊँगा। हाँ, कुछ यहाँ का व्यू बात कर रहा था कि जो यूट्यूबर है वो गूगल की मदद से ऐसी ऐसी जगहों पे पहुंचते हैं जहां पर जो गूगल के पास हो, लेकिन मैं आपको ऐसी जगह पे लेके चलूँगा, ऐसी ऐसी जगहों पे लेके चलूँगा सर जो गूगल है, गूगल मामू जहां पर नहीं पहुंचे अब तक, हम पहुंचेंगे वहां। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट, आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर लिखना। फीडबैक, अगर आपको कोई जगह पता है जो मैं एक्सप्लोर करना चाहूँ, जो मुझे चाहिए एक्सप्लोर करनी, अगर ऐसी जगह आपको कोई पता है तो गाइस आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में आके, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, हमेशा खुला रहेगा। कि आपको कैसी वीडियोस चाहिए, किस चीज़ पे वीडियोस चाहिए, कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह, इतना ज़्यादा नहीं जानता हूँ कश्मीर के बारे में, मैं यहीं रहता हूँ, लेकिन मुझे पॉपुलर जगह के बारे में पता है, मुझे वो जगह बताइए जैसे कि जहाँ पर इससे पहले वीडियो नहीं बनी हो और मैं आपको नई नई वीडियो दूँ। मैं मोटो व्लॉगिंग के साथ साथ मैं इसको ऐसी व्लॉग भी करने जाऊँ कोशिश करूँगा, जब फैमिली थोड़ी बढ़ जाएगी तो गाइस मैं ऐसी जगह पे जाने की कोशिश करूँगा जहाँ पर आज तक कोई नहीं गया। गए हैं लोग लेकिन सिर्फ अपने काम से, ना कि व्लॉग के साथ। तो मैं आपको व्लॉग के साथ ऐसी जगहों पर ले कर चलूँगा। बस आप मेरा काम करो, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, हमेशा आपके लिए काम करता रहूँगा। आप बस आपको इतना ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक, कमेंट कीजिए वो जगह जहाँ मुझे इसके बाद जाना चाहिए। और अपना ख्याल रखेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मुझे नहीं पता आप मेरे फ़ोन में वीडियो रिकॉर्ड हो भी रही है या नहीं। सो बाय, अल्लाह हाफिज़। अगर हो रही है तो बस इंजॉय करो जब तक ये वीडियो कंटिन्यू होगी। मुझे नहीं पता गाइस, क्योंकि मैंने हेलमेट पहनी हुई और फ़ोन मेरे चेस्ट पे लगा हुआ है, तो आप अगर वीडियो को देख पा रहे हो, अगर आप तक आवाज़ आ रही है मेरी, तो गाइस कीप इंजॉइंग ये वाली ज़िगज़ैग रोड।